हेलो दोस्त, मैं हूँ रश्मि। आपका हमारे चैनल उमंग कुकिंग में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको इसी तरीके का छोला बनाना है तो हमारी वीडियो को लगातार देखें। आइए हम पंजाबी छोला बनाते हैं। इसको 4 घंटे के लिए मैंने भिगो दिया था। भिगोने पर ये इस तरीके का हो गया है। छोले में डालने के लिए मैंने 4 टमाटर लिया है, 3 प्याज, 7 हरी मिर्च और 1 गांठ लहसुन की कली। और यहाँ पर मसाले में मैंने सूखी हुई धनिया 1 चम्मच, जीरा 1 चम्मच, 4 लौंग और छोटी इलायची 4, 3 तेज पत्ता और 1.5 इंच तक अदरक का टुकड़ा लिया है। देखो मैंने धुल लिया था, अब इसे मैं बॉयल करूँगी, इसलिए मैं इसे कुकर में डाल रहा हूँ। यहाँ पर मैं पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 कप पानी मैं डालूँगी चना बॉयल करने के लिए। 1/4 चम्मच हींग, 1 चम्मच तक नमक भी डाल दे रहे हैं। अब इसको हम ढक्कन लगा कर बॉयल करेंगे। ये मैंने कुकर को गैस पे रख दिया है, 4 सीटी आने तक मैं इसे पकाऊंगी। अब हम टमाटर को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे इस तरीके से। इसी तरह हम सारे टमाटर को कट करेंगे। ये सारा टमाटर मैंने कट कर लिया है। अब हम प्याज को कट कर लेंगे इस तरीके से। इसी तरीके हम पूरी प्याज को कट करेंगे। ये 2 प्याज हमने काट लिया है, इसको मसाले में पीसेंगे। और इस अब हरे मिर्च को हम बीच से धो कर रहे हैं इस तरीके से, थोड़ा बड़ा बड़ा काटते हैं। इस तरह हम सारे मिर्च को काटते हैं। अब यहाँ पर हम ऑयल डालकर प्याज को भूंजेंगे। ये हमने 50 ग्राम ऑयल डाल दिया। अब हम तेल में मसाले को डालेंगे। यहाँ हम तेज पत्ता डाल रहे हैं, धनिया भी डाल रहे हैं और जीरे को, लौंग, सारे मसाले को हम यहाँ पर डाल रहे हैं। अब हम प्याज को लाल करेंगे। हल्का लाल होने तक इसे हम पकाएंगे। अब हम लाल मिर्च, हरे मिर्च को भी डालकर लाल करेंगे। गैस को बंद कर दे रहे हैं और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दे रहे हैं। ठंडा होने पर हम इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीसेंगे। अब हम टमाटर को पीसेंगे। ये हमारा पेस्ट तैयार हो गया। अब हम मसाले को मिक्सर ग्राइंडर में डालकर पीसेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल दे रहे हैं, लगभग 50 ग्राम तक। अब इसको पीसेंगे। इसमें हम पीसे हुए मसाले को पकाएंगे। इसमें हम ऑयल डाल रहे हैं लगभग 75 ग्राम तक। ये हमारा चना पक गया है। अब इसको हम छोला बनाएंगे। ये हम इसमें जीरा डाल रहे हैं, इसको हम भून ले रहे हैं। और ये 2 छोटी इलायची डाल रहे हैं। यहाँ पर 1 चम्मच हम छोला मसाला डालेंगे। यहाँ पर हम 1 चम्मच गरम मसाला डाल रहे हैं, इसको बढ़िया से भून लेंगे। छोटा चम्मच 1 चम्मच हल्दी पाउडर। अब यहाँ पर हम पिसा हुआ मसाला डालकर भूनेंगे। यहाँ पर हम 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं। मसाले में हम थोड़ा सा पानी डाल दे रहे हैं ताकि मसाला हमारा बढ़िया से पक जाए। यहाँ पर हम 1.5 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसको भी बढ़िया से पका लेंगे। यहाँ पर छोले में हम 1 चम्मच टोमेटो सॉस भी डाल रहे हैं।
इससे हमारे छोले का स्वाद बढ़िया होगा। ये हमारा मसाला भुंज गया है, अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट डालकर पकाएंगे। इसमें हम 200 ग्राम तक पानी डालकर पकाएंगे। अब हम नमक स्वादानुसार डालेंगे। हम मसाले को 3-4 मिनट तक ढककर पकाएंगे। हम ढक्कन को खोलकर मसाले को देखते हैं। ये हमारा मसाला खूब बढ़िया से पक गया है। अब इसमें हम बॉयल हुए चने को डालेंगे। हम इस चने को इसमें डालेंगे और ये हम इसको चला दे रहे हैं चना डालकर, और अब इसे हम 3-4 मिनट के लिए फिर पकने के लिए ढकेंगे। ये हम ढक्कन लगा दिए। आइए, अब 3 मिनट हो गए हैं, अब हम ढक्कन खोलकर देखते हैं। ये देखिए, हमारा छोला पूरी तरीके से पककर तैयार हो गया है। अब हम गैस को बंद कर दे रहे हैं और इसको दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। ये हमारा छोला बनकर तैयार है, इसको मैंने दूसरे बर्तन में निकाल लिया है। अब इसमें मैं हरी धनिया डाल दूंगी, तो ये देखने में और स्वाद में भी और टेस्टी हो जाएगा। इसको अब मैं 2 मिनट के लिए ढक दूंगी। इस तरीके से 2 मिनट के बाद छोले में धनिया का अर्क आ गया है। हमारा स्वादिष्ट और चटपटा छोला बनकर तैयार है। ये हमारा पंजाबी छोला है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।